वेलकम दोस्तों, वीटी ब्लॉग के एक फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं दो ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत ही यूजफुल हैं। एक है सीगेट कंपनी का 1.5 TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और दूसरा है गेमिंग माउस जिसका नाम है लॉजिटेक G300S जो कि 9 बटन फंक्शन के साथ आता है। दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आज हम इसी माउस को अनबॉक्स करेंगे और बताएंगे इस माउस के बेहतरीन फीचर जो आपको इस प्राइस रेंज में कहीं और नहीं मिलने वाले। और नेक्स्ट वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे इस हार्ड डिस्क को, तो अभी इस हार्ड डिस्क को साइड रखते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग हैं कंटेंट क्रिएटर या पसंद करते हैं गेम खेलना तो आप लोगों के लिए ये माउस बहुत ही फायदेमंद होगा। दोस्तों, ये माउस मैंने अमेज़न से परचेज किया है और इसे यूज़ करते मुझे 1 वीक हो गया है। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसे दोबारा से पैक किया है ताकि आप इसे देख सकें कि ये कैसे आया था। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा बॉक्स है ब्लू कलर का जिसमें हमें लिखा मिल जाता है इस माउस का नाम G300S और नीचे लिखा हुआ गेमिंग माउस। सेंटर में माउस की फ़ोटो है और नीचे कंपनी का नाम मिल जाता है लॉजिटेक, और ये 2500 DPI के साथ आता है। साइड में भी माउस की ब्रांडिंग की गई है। दूसरी साइड पे देखेंगे तो आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, जैसे कि ऑन बोर्ड मेमोरी, 7 कलर लाइटिंग, ट्रैकिंग रेजोल्यूशन 200 से 2500 DPI। फिजिकल स्पेसिफिकेशन भी मेंशन है। ये माउस दोस्तों 82 ग्राम का है जो कि काफ़ी लाइट वेट है। इसमें लिखा गया है कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड लॉजिटेक गेमिंग सॉफ्टवेयर। पीछे के साइड में देखेंगे तो फिर से हमें कुछ मेन हाइलाइट्स दिख जाते हैं, 1 ms, 9 program button, और नीचे की ओर देखेंगे तो इसका प्राइस भी हमें दिखता है। पर इसका प्राइस दोस्तों ये नहीं है, आप इसे अमेज़न की स्पेशल सेल से 1000 से 1200 के रेंज में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बॉक्स को खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले मिलता है ये माउस जो कि एक छोटे से प्लास्टिक पाउच में पैक मिलता है। अभी इसको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं इसमें और कुछ है कि नहीं। तो हमें इसमें ये पेपर गाइड मिलती है जिसे पढ़ के आप अपना थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ा सकते हैं इस माउस के बारे में। खैर, मैं इसे साइड में रखता हूँ। एक ये कार्डबोर्ड हमें मिलता है जिसमें सिंपल समझाया गया है कि प्लग करिए एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड का URL दिया गया है। तो दोस्तों, ये सब हम रखते हैं साइड में, आते हैं सीधे अपने प्यारे दुलारे इस माउस पे। तो देखिए दोस्तों, ये है माउस। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो दोस्तों, ये माउस पूरी तरह से सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये है कि इसे कोई भी लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, इसको दोनों ही बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम यूजर्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और कम्फर्टेबल है ये माउस। इस माउस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसके साइड में हम देख सकते हैं हमें रबर ग्रिप की फिनिशिंग मिलती है जिसकी वजह से इसको होल्ड करने में और ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। इस माउस में हमें साइड में शाइनी और सेंटर में मैटी लुक मिल जाता है। इस रबड़ ग्रिप में हमें पैटर्न डिज़ाइन मिल जाता है जो इस माउस को और ज़्यादा शानदार बना देता है। इस माउस के नीचे वाला पार्ट पूरी तरह से ब्लू है जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है, और इसका ऑप्टिकल सेंसर सेंटर में ना होके थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो रखा है। अब बात करते हैं इसके केबल की। तो देखिए दोस्तों, ये कोई ब्रेडेड केबल तो नहीं है, पर हाँ, इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे PC में लगाते हैं और बताते हैं आपको कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसके कीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। लगाते के साथ ही ये माउस एक्टिव हो जाएगा, पर दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ कलर चेंज करने का मतलब है माउस का प्रोफाइल चेंज करना। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें लॉजिटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, या आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको logitech/support/माउस का नाम G300S लिखना होगा, जो कि आपको मैंने शुरू में कार्डबोर्ड के ऊपर लिखा दिखाया था, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। वो लिखने के बाद आप सर्च करिए, उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। साइड में डाउनलोड्स का बटन है, यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपके PC कौन से वर्जन पे है
अगर नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं, आप नीचे देखिए शो ऑल डाउनलोड्स का बटन है, यहाँ जाइए और आपका पीसी जिस वर्जन का होगा, मतलब विंडोज़ 10, 8 या 7, 32 बिट या 64 बिट, वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलर आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने यहाँ डाउनलोड पहले से कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है, तो मैं आपको सीधे से सॉफ्टवेयर पर ले जाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। यहाँ आपको दो मोड मिलते हैं, ऑटोमेटिक गेम डिटेक्शन मोड एंड ऑनबोर्ड मेमोरी। ऑनबोर्ड मेमोरी में हम 3 या 4 प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, जबकि गेम डिटेक्शन मोड में आपको बहुत ही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कलर के। अगर आपको फुल्ली यूज़ करना है माउस तो इसी मोड में आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोफाइल भी बना के दिखा देता हूँ। ऑटोमेटिक गेम डिटेक्शन मोड को यहाँ सेलेक्ट रखिए और नीचे दिए गए सेकेंड बटन या माउस के इस फिगर पर क्लिक करिए। अब आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं कलर मोड पे कोई भी कलर चूज़ कर रहा हूँ तो माउस में वही कलर आ रहा है। अब हम अपने कलर के हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको उसी टूल का शॉर्टकट इस माउस से बना के दिखाऊंगा, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार हम फोटोशॉप ओपन करते हैं। हाँ तो देखिए दोस्तों, फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक शेप लेता हूँ। शेप लेने के बाद मैं इसका लेयर स्टाइल ओपन करना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, लेयर स्टाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें लेयर पे राइट क्लिक करना होगा और उसके बाद लेयर स्टाइल पे क्लिक करना होगा, यानी कि ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। फिर जाके इसका पैनल खुलता है। अब हम अभी इसी का शॉर्टकट बनाते हैं। दोस्तों मैं ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले फोटोशॉप को ये चीज़ बतानी होगी कि हम कौन से बटन प्रेस करके कौन सा टूल ओपन करना चाहते हैं। मतलब अगर आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आप जानते होंगे फोटोशॉप में एक कीबोर्ड शॉर्टकट का कमांड होता है, जहाँ पे जाकर हम कीज़ को असाइन कर सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं वहाँ पे कि हम इस की से ये वाला शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें लेयर स्टाइल का शॉर्टकट हमें फोटोशॉप के शॉर्टकट में बनाना होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पहले से एक शॉर्टकट बनाया है, देख सकते हैं। अगर मुझे लेयर स्टाइल ओपन करना है तो मुझे ये 4 बटन दबाने होंगे कीबोर्ड में, जिसमें मेरी 3 से 4 उंगलियाँ यूज़ होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ जेड। पर हम इस माउस की मदद से बस एक क्लिक में लेयर स्टाइल की सेटिंग ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की शॉर्टकट डालने के बाद हम अपने लॉजिटेक के सॉफ्टवेयर में जाते हैं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ ऊपर प्रोफाइल का सेक्शन है। यहाँ सबसे पहले हमें एक नया प्रोफाइल बनाना है। उससे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि आपका कलर कौन सा सेलेक्ट है। जो कलर सेलेक्ट होगा उसी कलर पे वो प्रोफाइल आपका बन जाएगा। तो अब ऐड आइकन पे क्लिक करिए। अब ये हमसे पूछ रहा है हमारे प्रोफाइल का नाम, तो आप नाम डाल दीजिए। जैसे मुझे अपने फोटोशॉप के लिए बनाना है तो मैं यहाँ फोटोशॉप एडिटिंग डाल देता हूँ। इसके बाद पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, यहाँ आप अपने सॉफ्टवेयर के नाम डाल सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि आपने ये प्रोफाइल किस किस सॉफ्टवेयर के लिए बनाई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है गेम्स एंड ऐप दैट यूज़ दिस प्रोफाइल। मतलब हमें इसे वो सॉफ्टवेयर लोकेट कराना होगा जिससे इसे मालूम रहे कि शॉर्टकट जो हम बना रहे हैं वो किस सॉफ्टवेयर में काम आना है। तो चलिए हम ये लोकेट करा देते हैं। हमें इस ऐड आइकन पे क्लिक करना है और फोटोशॉप की ई एक्सी फाइल के लोकेशन पे जाना है। फोटोशॉप की फाइल बाय डिफ़ॉल्ट आपके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में रहती है, आपको आपके सी ड्राइव में जाना है, फिर प्रोग्राम फाइल, फिर एडोब, उसके बाद फोटोशॉप, जो आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं उस पर क्लिक करिए। यहाँ आपको exe फाइल मिल जाएगी, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ ऐड हो जाएगा। आप यहाँ एक से ज़्यादा भी सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं, जैसे एडोब एलिस्ट्रेटर, एडोब आफ्टर इफेक्ट,
या एडोब के और भी सॉफ्टवेयर या ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हैं आप वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब आपकी प्रोफाइल बनके तैयार है, अब आपको बटन पे असाइन करने हैं कीज़ को, तो वो भी देखिए बहुत इजी है। दोस्तों अभी हमने लेयर स्टाइल का शॉर्टकट बनाया था, तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे इस बटन को प्रेस करने पे लेयर स्टाइल खुले। तो देखिए दोस्तों यहाँ एक छोटा सा एरो है, यहाँ क्लिक करिए और असाइन न्यू कमांड कर दीजिए, क्योंकि आप नया कमांड दे रहे हैं इसलिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखिए कई सारे फंक्शन हैं। सिंपल हमें ये याद करना है कि हमने फोटोशॉप में शॉर्टकट में क्या कमांड असाइन किया था लेयर स्टाइल के लिए। तो हमने लेयर स्टाइल के लिए फोटोशॉप में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जेड ये कमांड असाइन किया था। इसका मतलब ये है कि ये एक मल्टी की है, बहुत सारी कीज़ को प्रेस करना पड़ रहा है इसीलिए ये एक मल्टी की है, इसीलिए हम यहाँ सेकेंड ऑप्शन मल्टी की सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने सिर्फ एक की जैसे एक लेटर चूज़ किया होता तो की स्ट्रोक चूज़ करते। तो देखिए दोस्तों मल्टी की पे क्लिक करने पे ये हमसे सबसे पहले नेम पूछ रहा है, मतलब जो हम शॉर्टकट बना रहे हैं उसका नाम क्या है। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेयर स्टाइल। देखिए यहाँ की स्ट्रोक का एरिया है, यहाँ हमें ये कमांड अप्लाई करना है। यहाँ गलती मत करना दोस्तों, नहीं तो ये की ठीक से वर्क नहीं करेगी। सबसे पहले हमें ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करना है, जिससे ये रेडी रहेगा, हम जो की कीबोर्ड में प्रेस करेंगे ये उसे ले लेगा। दोस्तों याद रखना यहाँ वही की प्रेस करना जो शॉर्टकट हमने फोटोशॉप में बनाया था। तो चलिए मैं इसे यहाँ प्रेस करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के साथ जेड। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये शो हो गया। दोस्तों यहाँ ये दो बार लिखा आ रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अब सिंपल स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है जिससे ये स्टॉप हो जाए और ओके कर देना है। बस दोस्तों देख सकते हैं यहाँ लिखा आ गया लेयर स्टाइल। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। वापस से फोटोशॉप पे आइए और कोई भी लेयर सेलेक्ट करिए और जिस बटन पे हमने अपनी की सेट की है उसे प्रेस कर दीजिए। ध्यान रहे कलर वही रहना चाहिए जिस कलर पे आपने ये प्रोफाइल बनाई है। तो लीजिए दोस्तों बस महज एक क्लिक करने पे आ गया लेयर स्टाइल। ये होते हैं दोस्तों मल्टी कीज़ माउस के बेनिफिट। आप ऐसे ही बहुत यूज़फुल कमांड असाइन कर सकते हैं और अपने वर्क को स्मार्टली कर सकते हैं। मैंने अभी सिंपली एक बटन पे की लगाया है। आप बहुत सारे शॉर्टकट्स को इन बहुत सारे मल्टी फंक्शनल बटन पे असाइन कर अपने काम को बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं गेम की। तो सॉरी यार मैं वो नहीं बता सकता कि आपको इस माउस का यूज़ गेम में कैसे कर सकते हैं। मैंने ये वाला माउस स्पेशली अपने एडिटिंग पर्पज़ के लिए मंगाया है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसको गेम में कैसे यूज़ करना है, इसलिए मैं आपको गेम से रिलेटेड नहीं बता सकता कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके कीज़ को कैसे असाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। हमने आपको शुरू में दिखाया था कि हमने एक और प्रोडक्ट मंगाया है, अगली वीडियो में आपको उसी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग मिल जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।